अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। लाखों की संख्या में लोग ट्रेन, बसों, वाहनों और पैदल उत्तर प्रदेश में वापसी कर रहे हैं। इससे घर वापसी से जुड़ी कई कठिनाइयों और दुर्घटनाओं की तस्वीर भी सामने आ रही है। मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब योगी सरकार ने अखिलेश यादव पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर वो रोजगार दे देते तो आज लोग मुसीबत में न होते। जो काम उन्हें करना था वो हम कर रहे हैं, इसीलिए वो सिर्फ अनर्गल अलाप कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की एक तस्वीर को शेयर किया था। साथ ही उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल होगा उसके आगे का सफ़र जो मजबूर है सड़कों पर पैदा होने के लिए। कोई है जो सुन रहा है? इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि 2022 तक सबको घर देने वाला वादा करने वाले सत्ताधारी आज बेघर भटकते भूखे प्यासे लोगों को एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहे। इतिहास गवाह रहा है, सड़कों पर उतरी जनता ने सर्वशक्तिमान होने का दम भ्रम रखने वाले एक से एक बड़ों को पैदल कर दिया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए थे और सरकार से त्यागपत्र तक की मांग कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी तिलमिला गई और अब बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार कामगार और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएम के सभी विभागों को निर्देश हैं, जिसमें उनका विभाग एसएमई भी शामिल है। उन्होंने बताया कि हम 12 मई से लोन मेले को लगाने जा रहे हैं। हमने बैंकों और उद्योगों से बातचीत भी कर ली है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अगर एक लोन से 5 लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऐसी बड़ी संख्या होगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने कामगारों श्रमिकों को यही रोजगार देंगे। सरकार की पूरी तैयारी है, जिसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उद्योगों से बात कर रहे हैं, बैंकों से बात की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और कहीं कोई आ जा नहीं सकता, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जा रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा गया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दो टूक लहजे में कहा कि पिछले वक्त में जो सरकारें रहीं उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, इसीलिए उत्तर प्रदेश में पलायन हुआ और मजदूरों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ा। अब जब मजदूर वहां से वापस आ रहे हैं तो हम उनके रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। पिछली सरकारों के मुखियों को अब डर लग रहा है कि उनकी छवि खराब होगी और इसीलिए अब उनकी तरफ से अनर्गल बयानबाजी लगातार की जा रही है और सोशल मीडिया के जरिए सरकार के अच्छे कामों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर था। अब अखिलेश यादव की तरफ से इस मामले पर क्या ट्वीट किया जाएगा या क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी में 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लगातार श्रमिकों के मामले पर अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से लगातार अखिलेश यादव पर पलटवार किया जा रहा है। इस बार पलटवार की राजनीति के बीच सबसे चिंताजनक हालात ये हैं कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उन पर ध्यान देने की बजाय या उन पर मदद करने की बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है, जो बेहद गलत है और निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।